नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच में प्रवीण जी आए हुए हैं जो कि गीतों की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि कैसे गीत गाना चाहिए, हाउ टू सिंग द सॉन्ग, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को गीत गाना ही नहीं आता। आवाज निकालते हैं तो ऐसे लगता है कि कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, तो कैसे अगर मैं कैसे अगर गीत गाऊं, उनसे जानते हैं। विनोद जी, हाँ जी, पहले तो आपने जो कुछ भी कहा, हाँ जी हाँ जी, इसके तो मैं इतना हूं नहीं वैसे। नहीं नहीं, बहुत आपको बहुत जगह पे मैंने सुना है, बहुत ही मीठा आप गीत। बाकी जहां तक गीत गाने के बारे में आप कह रहे हैं कि कैसे गाया जाए इसको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है, मैं एक बार भजन कई बार गाता हूँ, बिल्कुल के आदत बुरी सुधार लो, बिल्कुल बस हो गया भजन, भजन वाह, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, और वो सब काम आप करते हैं। नहीं, नहीं, आप अपनी आदतों को दिन ब दिन सुधारे हैं, आपने आज इस लेवल तक पहुंचे हैं, और आपने कितना अपनी मन की तरंग को मारा है वो मैं जानता हूँ, तो बस यही आपका भजन है। नहीं, कभी भी आप आंखों को बंद करके जब ध्यान लगाए ना, बिल्कुल, जब मन में अच्छे विचार आएंगे तो मैंने आप गीत ही गा रहे हैं, बिल्कुल सर। होता क्या है, आपने अपनी आदत को ऐसा बना लिया, और मैं अक्सर एक गीत गाया करता हूँ। नहीं, ऐसा है ना कि जैसे परमात्मा ने इतनी मीठी आवाज दी है, स्वर निकालना, हाँ जी हाँ, वो कैसे हमारे मुंह से एक अच्छी मीठी आवाज निकले, कि उसमें से एक जैसे नेचर में संगीत चल रहा है, अगर बंदा ऐसे गीत गाता है कि बहुत उसमें आनंदित हो जाता है। बिल्कुल सही है, उसके लिए मैं आपको एक भजन में ही ये बात बता रहा हूँ कि भी मन में दूषित विचार को आने ना दीजिए, बिल्कुल, और आ जाए अगर शुभ विचार तो फिर जाने ना दीजिए, जाने ना दीजिए, बस इसी भाव को लेकर के मैं हमेशा गाता हूँ। बिल्कुल, मन में जो भी अच्छा मुझे लगता है ना, मैं केवल वही गाता हूँ, वही किसी की स्तुति के लिए, किसी की प्रशंसा के लिए मैं कभी नहीं गाता, मतलब जैसे इसको मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ, हाँ जी, तो इसको कौन से स्किल से इसको इसको बोला जाए, जैसे इसी शब्द को आपने कहा कि अच्छे विचार आए, हाँ जी हाँ, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, बुरे विचार आए तो जैसे ही छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल, तो इसको कैसे एक तरंग में आप गाओगे, कुछ मेरे को बताओ, उससे मैं कुछ सीखूं। जैसे ये पंक्ति मैंने आपको कहा, हाँ, इसको मन से आप जैसे मान लो मेरे को कहेंगे तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, मन में दूषित विचार को आने न दीजिए, आ जाए शुभ विचार तो, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए, जाने न दीजिए, यानी ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मतलब आप जैसा सोच रहे हैं बस वैसा वैसा ही वैसे बनाने की कोशिश करें, लहर बना रहे हैं। बिल्कुल, कभी कभी कुछ शर्म सी आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, शर्म का त्याग करना पड़ता है। अच्छा, जैसे अगर आप कार सीख रहे हैं, हाँ, तो कार में अगर थोड़ा सा शर्म करेंगे, हिचकिचाएंगे तो आप कार नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए पूरा निडर होकर के बैठना पड़ता है, तभी आप उसको सीख पाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे ही भजन की लाइन में, मतलब गायन क्षेत्र में, जो जब आप गायन क्षेत्र में आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो अंदर की सारी झिझक खत्म करनी